तरीका है विकास, और विकास के साथ साथ देखिए जितनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार की समस्या है और भ्रष्टाचार, तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ये सब वादे करे थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो किसानों की समस्याएं हैं, अल्पसंख्यक लोगों की समस्याएं हैं और बेरोजगारी की समस्या है नौजवानों के सामने, तो इन समस्याओं को हल करेंगे और विकास भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का जो विकास कहीं हुआ ही नहीं, कि कहीं पर भी विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोगों का मुख्य मुद्दा है विकास। विकास से साथ साथ जो मैंने बताया कि किसान, नौजवान, महिलाओं से लेकर के उनकी समस्याओं को हल करना है। सर, मेडिकल कॉलेज अभी भी ज्यादा स्थिति में ऐसी है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, इसको लेकर क्या करेंगे सर? देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समय में नेताजी ने, अखिलेश यादव ने मेडिकल इसलिए बनाया था कि जितनी भी गंभीर बीमारियाँ हैं, किडनी से लेकर, हार्ट से लेकर के, कैंसर से लेकर के, जितनी गंभीर बीमारियाँ हैं, और एक से एक यहाँ पर स्पेशलिस्ट जितना डॉक्टर हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहे, तो यहाँ पर लोगों ने तो कोई काम कराया ही नहीं, अधूरा पड़ा है, और कोई काम 7 साल में नहीं किया है, तो उसे भी पूरा कराएंगे हम लोग, सरकार में आएंगे पूरी तरह से प्राथमिकता। और ये तो नेताजी का क्षेत्र रहा, नेताजी का रहा, एक बार प्रोफेसर भी जीते, धर्मेंद्र दो बार जीते हैं, और अब नहीं नहीं धर्मेंद्र यादव ने सांसद होने के नाते इतने विकास कार्य किए, उसके बाद भी पब्लिक ने नकार दिया, क्या कारण? ये भ्रमित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, भ्रमित होने के बाद अब जनता समझ गई कि ये झूठी पार्टी है और ये भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये केवल भ्रमित करती है, झूठे वादे करती है और कोई काम करती नहीं, केवल काम करती है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।